हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए आज एक और न्यू रेसिपी लेके आ गई हूँ। आज मैं आपके लाई हूँ केक की रेसिपी। इजी टेस्टी स्पॉन्जी यम्मी केक, बिल्कुल फटाफट बन जाएगा केक हमारा। उसके लिए क्या क्या लगेगा मैं आपको दिखा देती हूँ। इसके लिए मेन इंग्रेडिएंट पांच लगेंगे। पांच इंग्रेडिएंट मेन क्या क्या लगेंगे मैं आपको बता देती हूँ। मैदा लगेगा हमको, दूध पाउडर लगेगा, शक्कर लगेगा, दूध लगेगा, तेल लगेगा। ये पांच चीज़ हमारी मेन है। उसके बाद जो अदर लगेंगे मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। हमने लिया है टूटी फ्रूटी लगेगा हमको, एक चम्मच बेकिंग पाउडर लगेगा और 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा लगेगा और एसेंस ले लिया है हमने। और मैं इस कप से मेजरमेंट करूँगी। 2 कप मैदा लेंगे। मैं आपको अभी पूरा बताते जाऊँगी, आप पूरा मेरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा क्या क्या लगेगा मैं आपको बताते जाऊँगी। आपका एक केक बहुत टेस्टी अम्मी बनेगा, आप ज़रूर बना के देखिएगा मेरी रेसिपी से, आपको बहुत पसंद आएगी। कम सामानों में बहुत टेस्टी केक बनने वाला है हमारा। हमारे जितने भी ड्राइंग इंग्रेडिएंट हैं उनको हम छान लेंगे। मैंने 1 कप मैदा ये ले लिया, लेवल में करके लेना है, एकदम ओवर नहीं लेना है। हमारा कप वैसे ही बहुत बड़ा बनने वाला है हमारा केक। ये 1 कप मैदा, 1 कप और डाल देंगे, टोटल 2 कप मैदा लेना है हमको और इसे छानना है। छानने से स्पॉन्जनेस आएगा, इसमें स्पॉन्ज केक बनेगा हमारा। छानना कंपलसरी है। ये 2 कप मैदा लेवल में लिया है मैंने। हमने चीनी को भी 1 कप ले लिया है, पर इसको लेवल में लेना है, ज़्यादा ओवर नहीं लेनी है। और हमको सारे इंग्रेडिएंट को छान लेना है। चीनी को पीस लीजिएगा। मिल्क पाउडर 1/2 कप से थोड़ा ज़्यादा लीजिएगा। सबको हमको तीनों को छान लेना है। आप कटोरी भी ले सकते हैं छान नापने के लिए, कप भी ले सकते हैं। मैंने कप लिया है, इसे छान लेंगे। ड्राइंग इनको छान लेंगे। 1 चम्मच ये बेकिंग पाउडर डालेंगे। चम्मच मैंने दिखा देती हूँ किस कौन सा लिया, छोटा चम्मच लिया है मैंने, ज़्यादा बड़ा नहीं लिया। 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा, ये 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा डालेंगे। इसे भी छान लेंगे हम। पहले हम एक बर्तन ले लेंगे। बर्तन में 1 कप तेल नहीं डालना है, 1/2 कप से थोड़ा ज्यादा तेल लेंगे हम। आधे कप से थोड़ा ज़्यादा तेल लेना है हमको। ये डाल देंगे और दूध डाल देंगे 1/2 कप। अगर दूध हमें और लगेगा तो हम बाद में लेंगे, पहले एकदम से बहुत सारा नहीं लेना है। 1/2 कप से थोड़ा ज़्यादा तेल लिया है और 1/2 कप दूध लिया है। दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। उसके बाद जो ड्राई चीज़ें हैं उसे हम थोड़ा थोड़ा कर डाल के इसे मिक्स करते जाएंगे। दूध को ज़्यादा गर्म नहीं लेना है, रूम टेम्परेचर पर लेना है। पहले हम इसे मिक्स कर लेंगे सबको। मैंने सारे ड्राई इंग्रेडिएंट को मिक्स कर लिया है। अब हम जो ये दूध और तेल वाला चीज़ें हैं इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करते जाएंगे। कट एंड फोल्ड की मेथड से मिक्स करेंगे, ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से करके नहीं मिक्स करना है। दूध हमें अगर कम लगेगा तो हम थोड़ा और डालेंगे।
ये पूरा आप डाल देंगे ऐसे कट एंड फोल्ड के हिसाब से मिक्स कर लेंगे। दूध अगर आपको कम लगेगा तो आप थोड़ा और लीजिएगा, और तेल ऐसे लीजिएगा जिसमें कोई स्मेल ना हो, नहीं तो आपका केक में पूरी स्मेल स्मेल आ जाएगी। इसमें दूध और लगेगा थोड़ा सा, हमें इसका बैटर रिबिन जैसे गिरता है वैसे बनाना है हमें। बिल्कुल आराम से मिक्स करना है। बैटर को पूरा अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। देखिए फ्रेंड, हमारा ये बैटर रिबिन जैसे गिर रहा है। बिल्कुल रिबिन जैसे गिरना चाहिए, ज़्यादा पतला भी नहीं, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं। इसे 3-4 मिनट तक अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा, फिर आपको मैं बताती हूँ कैसे करना है। ये 2 पॉट ले लिए हैं मैंने, आप चाहे तो स्टील का पॉट भी ले सकते हैं या एल्युमिनियम का पॉट भी ले सकते हैं, दोनों में से जो आपके पास अवेलेबल है वो ले सकते हैं। इसे पूरा अच्छे से तेल लगा देंगे। तेल लगाने के बाद मैदे से हल्के से डस्ट कर लेंगे। डस्ट करने के बाद हम जो ये बैटर बनाया है वो हम डाल देंगे। मैंने एक बर्तन ले लिया है, इसमें नमक बिछा देंगे। मैं ये नमक 3-4 बार यूज़ कर चुकी हूँ। पूरा ऐसे अच्छे से बिछा देंगे, नमक को सब तरफ अच्छे से बिछा देना है। जो भी आप केक बनाने के लिए बर्तन लेंगे, मोटे तले वाला लीजिएगा। मैंने स्टील का बर्तन लिया है। स्टील के बर्तन में चारों तरफ तेल लगा लेंगे उसका, इसको मैदे से हल्के से डस्ट कर लेंगे। हल्का हल्का डस्ट कर लेंगे, जो एक्स्ट्रा होगा ना वो निकाल लेंगे हम। जो एक्स्ट्रा होगा वो निकल जाएगा, निकाल लेंगे। बैटर को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल रिबिन जैसे गिर रहा है, एकदम गाढ़ा भी नहीं बनाना है, एकदम पतला भी नहीं, बस इतना कि रिबिन जैसे गिरना चाहिए। और ये टूटी फ्रूटी थोड़ी डाल देंगे हम इसमें, मिक्स कर लेंगे इसे। स्टील के बर्तन को मैंने तेल लगा के मैदे से डस्ट कर लिया था, जो एक्स्ट्रा मैदा था वो निकाल लिया था, और इस बैटर को हम इसमें डाल देंगे। मैंने बर्तन गर्म करने के लिए रख दिया है। हमें केक को सिम में 45 से 50 मिनट तक बिल्कुल सिम में पकाना है। टूटी फ्रूटी में हम थोड़ा सा मैदा डाल देंगे, क्योंकि ताकि ये केक के अंदर ना चली जाए। हल्का सा मैदा डाल के मिक्स कर लेंगे इसे, इससे क्या है केक के अंदर नहीं रहेगी, ऊपर ही रहेगी। इसे टच कर लेंगे ऐसे, पूरा टूटी फ्रूटी सजा देंगे। आप चाहें तो काजू, किशमिश, बादाम से भी सजा सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल है वैसे करिए। मैंने इसमें थोड़ा सा ना वैनिला एसेंस डाल दिया था, डाल के मिक्स कर दिया था। मैंने बर्तन सिम में 10 मिनट गर्म कर लिया है, इसमें हम ऐसे रखेंगे। चाहे तो आप स्टैंड लगा के रख सकते हैं पॉट को, या तो नमक बिछा हुआ है तो हम डायरेक्ट ऐसे रखेंगे। आराम से रखिएगा फ्रेंड, बहुत गर्म हो गया है बर्तन। ये मैंने केक का पॉट रख दिया, नमक बिछा के नमक के ऊपर रख दिया। चाहे तो आप स्टैंड रख के उसके ऊपर भी रख सकते हैं। अब इसे ढक के 50 मिनट में हम इसे देखेंगे, और बिल्कुल गैस सिम में होना चाहिए, बिल्कुल सिम। ऊपर कुछ भारी सामान रख देंगे, बिल्कुल सिम में 45 से 50 मिनट बाद हम चेक करेंगे। हमारे केक को 30 मिनट हो चुका है, एक बार हम खोल के देख लेते हैं। वाओ, कितना स्पॉन्जी फुला फुला केक बना है। वाओ, अभी और लगेगा टाइम बनने में से। केक को तैयार होने में कम से कम 50 से 55 मिनट लग जाएंगे, फिर हम एक बार और चेक करेंगे आकर। केक को 50 मिनट हो गए हैं, अब हम इसे खोल के देखते हैं। वाओ, कितना स्पॉन्ज आ गया है इसमें तो। बीच से अभी कच्चा लग रहा है फ्रेंड्स मुझे अभी,
10 मिनट और लग जाएगा बनने में। साइड साइड से पक चुका है पर बीच से थोड़ा कच्चा लग रहा है। 10 मिनट और रख लेंगे हम। हमको ढक्कन ऐसे रखना है जैसे इसमें से भाप ना निकले, तभी हमारा केक अच्छे से पकेगा। अगर भाप निकलेगी तो केक अच्छे से नहीं पक पाएगा, बहुत और ज़्यादा टाइम लग जाएगा। 10 मिनट बाद हम फिर खोल के देखेंगे। फ्रेंड्स अब एक घंटा हो चुका है, अब इसे खोल के देखेंगे, नाइफ डाल के देखेंगे इसमें। नाइफ बिल्कुल साफ आई है, मतलब हमारा केक बन चुका है। गैस बंद कर देंगे, 2 मिनट इसमें रहने देंगे, फिर हम इसे बाहर निकाल के ठंडा कर लेंगे। और हमारा सॉफ्ट स्पॉन्जी केक तैयार है। हमारे केक की रेसिपी इजी, सरल, सिंपल, टेस्टी रेसिपी। आप ज़रूर बना के देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी हमारे केक की रेसिपी। निकाल के मैं आपको दिखाती हूँ कितना सॉफ्ट बना है केक हमारा। फ्रेंड्स हमारा केक कितना अच्छा बना है। केक ठंडा हो गया, ठंडा करके ही निकालेंगे, गर्म में निकालेंगे तो टूट जाएगा। मैं भी आपको निकाल के दिखाती हूँ कितना सॉफ्ट बना है। और मैंने बीच में 2 ओरियो बिस्किट डाल दिए हैं डिजाइन के लिए। साइड से ऐसे ऐसे करना है, बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा हमारा केक। देखिए फ्रेंड्स हमारा केक कितना अच्छा बना है, स्पॉन्जी। मैं आपको इसको दबा के दिखाती हूँ, बिल्कुल सॉफ्ट बना है एकदम स्पॉन्जी। आप ज़रूर इस रेसिपी से बना के देखिए, आपको बहुत पसंद आएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए नेक्स्ट रेसिपी कौन सी बनाऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस केक को बनाने में पूरा 1 घंटा लग गया हमको, क्योंकि केक की साइज़ बहुत बड़ी थी। केक हमने बड़ा साइज का बनाया है इसलिए पूरा 1 घंटा लग गया। सिम में बिल्कुल बनाना है।